कॉमेडी और हंसी के साथ हिंदू परंपरा पर आधारित फिल्म फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मैसेज लेकर आ रही फिल्म ब्लू जिन ब्लूज का स्क्रीनिंग मुंबई में किया गया, जहां पर मौजूद सभी लोगों ने फिल्म को खूब पसंद किया। वहीं फिल्म को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं अपनी अच्छी स्टोरी के लिए। फिल्म के निर्देशक नितिन महाजन और अभिनेता राज ठाकुर है। जीन्स तो हम सब लोग पहनते ही हैं ज़्यादातर हफ्ते में 4-5 दिन। ब्लूज़ का मतलब है सैडनेस, दुख जो ज़िंदगी में होता है। तो ब्लू जीन्स, ब्लू टाइटल इसी वजह से लिया गया। ब्लू जीन्स का एक बहुत फ़नी सीक्वेंस है मूवी के अंदर, जो आप लोग देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। सर बेसिकली किरदार इट्स अ नर्ड कैरेक्टर। एक जैसे हमारी क्लास में एक शर्मीला लड़का होता है जो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, डरा डरा सा रहता है। उसके दोस्त होते हैं, कम होते हैं, जो कि बेसिकली मेरे से पूरा ऑपोजिट है जो मैं हूँ। एंड देखिए, मेरा अपना ट्रेनिंग थिएटर का है बाहर का, प्लस आई एम अ ट्रेंड एक्टर, तो आई हैव माई टेक्निक्स जिनके सहारे मैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को यू नो अप्रोच करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो मेरा एक अपना प्रोसेस है एज एन एक्टर जिसको मैंने फॉलो किया, और प्लस डायरेक्टर नितिन महाजन जी ने भी मेरी बहुत हेल्प की इस किरदार को यू नो पूरा जीवंत करने के लिए। तो हमने बैठ के बहुत डिस्कशंस करी एंड वी डिड फ्यू वर्कशॉप्स। तो इस सब प्रोसेस के दौरान ही हम इस कैरेक्टर कृष्णा, जो कि नाम है कैरेक्टर का, उस तक पहुँच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म को ऑलरेडी 9 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड मिल चुके हैं और फिल्म काफ़ी सराही गई है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी जो डायरेक्टर डॉक्टर नितिन महाजन जी ने लिखी है। इज अ राइटर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। और लोगों को भी मूवी बहुत पसंद आ रही है और कैरेक्टर से वो लोग काफ़ी रिलेट कर रहे हैं। इट्स अ फैमिली मूवी, इसमें अपने भारतीय जैसे हमारी फैमिली है उस वैल्यूज़ को प्रमोट किया गया है, प्लस इसमें वुमेन एम्पावरमेंट का भी मैसेज है इन द लास्ट 15 मिनट्स, जो कि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। किरदार ऐसा है कि लोग उसके बारे में सोचते कुछ अलग है, थोड़ा सा हटेला बोलते हैं ना हम, हटेला है तो हटेला है, लेकिन उसकी वजह से वो कॉमेडी हो जाती है। फनी थिंग्स, कुछ चीज़ें ऐसे होती है ज़िंदगी में कि हम डायरेक्टली बोलते नहीं हैं लेकिन वो बोल देता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द इफेक्ट्स, मतलब उसका कुछ क्या होता है कुछ नहीं होता है ये सोचता नहीं है और फिर कुछ भी बोले जाता है। और उसका एक बैकग्राउंड क्रिएट होता है पहले फिल्म में, उसका एंट्री के पहले, मामा बाद में आता है लेकिन मामा का बैकग्राउंड पहले हो जाता है कि ऐसा ऐसा एक किरदार आने वाला है। और फिर आने के बाद में जो धोबी पछाड़ करता है अपने हीरो का, मतलब हीरो डजंट लाइक दिस पर्सन कि ये क्रिकेट है, आई विल नॉट गो विथ हिम। लेकिन आप फिल्म में देखोगे कि जब ये मामा के साथ आता है तो उसकी लाइफ बदल जाती है। अच्छा कैरेक्टर है, मतलब फिल्म जो है हंसते हैं। यस, फिल्म आ गई है लोगों को, मतलब अभी ये पोस्टर से पता चलता है, लेकिन हमारा असली अवार्ड ऑडियंस अवार्ड है। ये अवार्ड मिल चुके हैं, मैं जैसे मैंने बोला अभी भी कि हमें क्रिटिक्स का अवार्ड मिल गया है कि अच्छी फिल्म है, अलग जॉनर है, पॉजिटिव है, अच्छी है इन स्पाइट ऑफ ऑल न्यू करेक्टर्स, न्यू एक्टर्स रादर। तो जब ऑडियंस को भी अच्छी लगेगी, जो जब तक लोगों ने अभी देखी है तो उन लोगों को अच्छी लग रही है, दे लाइक माई कैरेक्टर, कार्तिक्स कैरेक्टर, द डायरेक्टर्स स्क्रिप्ट, अरे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। डायरेक्टर की तरफ से मतलब ऐसा था कि कोई भी शॉट लो, बस वो शॉट उनके एंगल से, उनके व्यू से उन्हें पसंद आना चाहिए। तो बहुत बार
जब हम साइकिलिंग का टूर किया हमने, तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत दिक्कत आई, मज़ा भी आया काम करने में, और बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन भी मिले हमें, जो कि गोरिल्ला शूट किया था हमने पूरा पुणे से लेके बैंगलोर तक। लाइक कार में साइकिल डालते थे, सब कैमरा का सामान डालते थे, फिर जहाँ भी हमें अच्छा लोकेशन मिलता था वहीं पर उतर के सेटअप करके फिर देन शूट करते थे। तो बहुत बार दिक्कतें आती भी थी और बहुत बार इतने अच्छे अच्छे शॉट्स मिलते थे कि मतलब एक ही टेक में काम हो जाता था, और बहुत बार दो चार टेक्स लग जाते थे। सो मज़ा आया काम करके वहाँ पर।